हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में गीता जयंती के अवसर पर हवन केर दीप जलाकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुभारंभ किया। इस अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए व मंत्री ने वहां लगे स्टालों का दौरा किया और उसके बाद गीता के बारे में जानकारी दी। वही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ये हर मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में गीता ग्रंथ जीवन जीने की राह दिखाती है। अगर हम गीता के संदेशों को अपने दैनिक जीवन में ढाल लें, तो ये हमें बेहतरी की ओर लेकर जाती है। गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कुरुक्षेत्र से शुरुआत की जा चुकी है, जिले से हमने शुरुआत की है। गीता महोत्सव पूरे देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और गीता हमें शिक्षा देती है, संदेश देती है, जीने का दिशा देती है और किस तरह परिवार भाई किस तरह जीना है, किस तरह ना, ये सब गीता का संदेश मिलता है। और इस सब को लेके हमारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई आस्था है, इस सब पर लेके हम सब लोगों को काम करना चाहिए और गीता का प्रसार प्रसार देश से दुनिया में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर, जितना कुरुक्षेत्र में गीता के उससे जिसकी तैयारी हुई है, जितना वहाँ पे लोगों का आवागमन हुआ, कभी देखने को कोई मिला नहीं। और गीता का आने वाले समय बहुत बड़ा प्रचार प्रसार देश दुनिया में। देखिए, अगर हम आज के यूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं कहें कि इन सब से जो है धार्मिक चीज़ों से जो है थोड़ा वो साइड हट रहे हैं, तो ऐसे में गीता महोत्सव की गीता के बारे में आज क्या महत्वता है? नहीं, यूथ को भी सबको गीता में लाना है, गीता में आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे लोगों को सबको गीता में लाना, अपनी संस्कृति को जोड़ना, अपनी संस्कृति जीने के रास्ते देखने, गीता से दूर नहीं भाग सकते, आना गीता के साथ साथ ही होना है। एक राजनीतिक प्रश्न है कि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान जो है कि मेरा कहना है कि देश के उपराष्ट्रपति का जिस तरह से दुनिया की कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उन लोगों को इस तरह खिले नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति सबके हैं और देश के उपराष्ट्रपति सबको सम्मान करना चाहिए।